Headline is brought to you by ISBM University, SR Hospital and Research Center, Durg, or Goel TMT. नमस्कार, आईबीसी 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश, और सिटी लाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक राहत भरी खबर के साथ। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में आज बड़ी राहत देखने को मिली है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। इसमें कोमोर्बिडिटी वाले मरीज भी शामिल है। वहीं 5 महीने बाद ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना का एक भी मरीज का प्रदेश में निधन नहीं हुआ। प्रदेश में 14 फरवरी 2021 के बाद ऐसा दिन आया जब एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में संक्रमण का प्रतिशत भी 1 से नीचे जा चुका है। अभी यह आंकड़ा 0.8% पर है। वहीं प्रदेश में आज 36,056 सैंपल लिए गए, जिनमें से 297 मरीज में संक्रमण पाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, अगर कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स देखें तो महीनों बाद यह आंकड़ा सामने आया है। महीनों के बाद ऐसा एक दिन आया है जिस दिन कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रदेश में नहीं हुई है। देखिए, ये आज जो शाम को बुलेटिन आया स्वास्थ्य विभाग में, एक नहीं दो दो उसमें राहत भरी खबर है। पहली जो मौत की जिसे आपने बताई, ये 14 फरवरी को रिकॉर्ड आंकड़ा था कि उस दिन जो बुलेटिन में एक भी मौत नहीं दर्शाई गई थी। आज ये आंकड़ा आया है 12 जुलाई को कि एक भी मौत यहाँ पर कोरोना संक्रमित की नहीं है। इसके साथ साथ जो कोमॉर्बिड मरीजों में उनमें भी कोई जो मौत की पुष्टि वो नहीं है। ये एक राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार इस तरह से हम जो बनी रहे, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके साथ साथ में देखेंगे कि जो आंकड़ा है, प्रतिशतता है, जो वो 0.82% पहुंच गया है। बीते दिनों देखेंगे तो 0.9% पास में था, इसके साथ साथ में 1.1% तक था। लेकिन आज ये कई दिनों बाद, पीछे 10-15 दिनों बाद ये ऐसा दिन आया है जिसमें 0.82% आंकड़ा गया है। ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक और अलग राहत भरी विषय है। और इसमें से न केवल एक दो जिलों की बात करें, ये 20 जिलों में ऐसा है कि ये एक से नीचे है। शेष 8 जिलों में जरूर जो 2.72 के पास में आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पे भी हम जल्दी जल्दी, कुछ जिलों ऐसे हैं जहां पर जो आंकड़े हैं लगातार, जैसे सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, बीजापुर हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, ऐसे जो जिले हैं इनमें आंकड़े कुछ ज्यादा हैं। लेकिन इन्हें भी कंट्रोल में, और जो केंद्र सरकार का जो दायरा है उसमें ये बताया जाता है कि 3% अगर जांच और आंकड़े जो कोरोना संक्रमित मिलने के मरीजों के जो आंकड़े हैं, अगर 3% से ऊपर है तो ही खतरनाक स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर 3 के पार आंकड़ा हो। तो ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल राहत भरी खबर है, और इसे और भी नीचे ले जाने का, शून्य तक ले जाने का प्रयास छत्तीसगढ़ कर रहा है। लेकिन आज जो बुलेटिन में जो खबर आई है बेहद राहत भरी है, और ये कामना करते हैं कि लगातार ऐसे ही जो संक्रमण है वो नीचे जाता रहे। निश्चित तौर पर विनय, प्रदेश के लिए राहत भरी खबर, और इसको स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अच्छी सफलता भी मानी जाएगी, क्योंकि लगातार हम कोरोना के आंकड़ों पर चर्चा करते रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का भी लगातार ये कहना था कि मौत के आंकड़े उनकी सबसे बड़ी चिंता है। और इस तरह का ये दिन आना जिस दिन एक भी व्यक्ति का निधन नहीं होता है, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की सफलता इसे जरूर कहा जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद परिजनों को बॉडी को लेने नहीं पहुंचने की खबरें तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि रायपुर एम्स में कई मृतक मरीजों के कीमती सामान लेने उनके परिजन अब तक नहीं पहुंचे हैं। रायपुर एम्स में पिछले एक साल में करीब 350 मृतकों के कीमती सामान जमा हो गए हैं, जिन्हें एम्स प्रबंधन की तरफ से मृतकों के परिजनों को सौंपा जा रहा है। कई बार रिमाइंडर के बाद भी करीब 116 मृतकों के परिजनों ने उनके कीमती सामानों को लेने में रुचि नहीं दिखाई है। इन कीमती सामानों में सोने चांदी के आभूषण, नकदी और कई दस्तावेज भी शामिल हैं। एम्स प्रबंधन ने सभी 116 लोगों को अंतिम मौका देते हुए अपनों के सामान ले जाने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया है। इनमें से अब तक 12 परिजनों ने एम्स से संपर्क किया है। सामान लाल लेने आने वालों में रायपुर समेत कई जिलों के लोग हैं। एम्स प्रबंधन का कहना है कि वो 21 जुलाई तक इंतजार करेंगे। लोग सामान लेने अगर नहीं पहुंचते तो वो इसे जिला प्रशासन को सौंप देंगे। 21 जुलाई तक जो लोग चाहते हैं कि इस सामान को लेके जाना चाहते हैं उस मरीज के परिजन, तो वो एम्स से संपर्क कर सकते हैं। अगर 21 जुलाई तक कोई नहीं एम्स के पास आता तो ये सामान फिर हम स्थानीय प्रशासन को सौंप देंगे। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग एसोसिएशन हड़ताल खत्म कर चुका है। वहीं अब काम पर लौटी नर्स पर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप सामने आया है। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार का आरोप है कि कई जिलों में प्रशासन नर्सों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बताया गया कि हड़ताल पर जाने की वजह से कार्रवाई की जा रही है। नर्सिंग एसोसिएशन ने आज संभागीय कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल अधीक्षक आरएस धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह बताया गया कि डॉक्टर धाकड़ हड़ताल पर बैठने वाली नर्सों को नोटिस जारी चुके हैं। हमने जो हड़ताल की थी उसमें शासन स्तर पे जो हमारी मांगे लंबित थी उनके लिए एक विरोध था। एक लेटर निकाले गए हैं कि जो भी हड़ताल में शामिल है अब हड़ताल में शामिल थे इसलिए आपको इस पद से हटाया जाता है। हम तो पहले से मांग कर रहे थे नर्सों को नर्स का काम कराया जाए, पद के अनुरूप काम कराया जाए। तो फिर हम चाहते हैं कि अगर आपने हड़ताली नर्सों के साथ एक्शन लिया है तो जितने भी ऑफिस में वार्ड वाइज पर जो बैठे उनको भी हटाया जाए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों और सरकार के बीच ठनी हुई है। वहीं इसी बीच निजी स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। नागरिक उपभोक्ता मंच की जनहित याचिका में निजी स्कूलों की हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। उनकी दलील है ये हड़ताल हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के खिलाफ है क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश दिए गए थे और फीस वृद्धि पर भी रोक लगाई गई। वहीं इस मामले पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं से पहले प्रदेश के करीब 30,000 निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। निजी स्कूल संचालकों का यह कहना है कि सरकार के ट्यूशन फीस लेने वाले फैसले से हमें नुकसान होगा। ये फैसला एक तरफा है, सरकार या तो हमें ट्यूशन फीस के साथ दूसरी फीस लेने दे या फिर आर्थिक भत्ता दे। पहली मांग तो हमारी यह है कि हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से फीस का भुगतान होता है वो हमें पिछले 4-5 सालों से नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है वो हमें भुगतान किया जाए ताकि हम स्कूल संचालित कर सकें। ऑनलाइन जो क्लासेस हमने बंद की वो हमारी मजबूरी है। हमने खुद नहीं चाहते कि बच्चों का पढ़ाई लॉस हो, लेकिन हम अपने शिक्षकों को भुगतान कहाँ से करें, हम अपने स्कूल का जो खर्चा है वो कैसे चलाएं। ये आदेश जो है पूरा का पूरा कोरोना महामारी खत्म होते तक का आदेश है और अभी कोरोना महामारी खत्म होने का डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, इसलिए इनका हड़ताल जो है वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, उसकी अवमानना है और इसलिए इसको इल्लीगल घोषित किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारा मानना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 14 जुलाई को शाम 4 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करेगा जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट के साथ ही दिव्यांग श्रेणी के बच्चों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। प्रदेश के करीब 10.5 लाख बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन से उनके अंकों का पता चलेगा। इस बार के रिजल्ट की खास बात यह है कि परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं, इसलिए रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मूले से तैयार किया गया। छात्र एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे, इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना परिणाम जान सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां करने में जुटी हुई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद तीसरी लहर से पहले सरकार के पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स नहीं हैं और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में पीजी एडमिशन के लिए होने वाली प्री पीजी की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यह परीक्षा हर साल होती है जिसके जरिए कॉलेज को बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन इस साल यह परीक्षा न होने से कॉलेज को नया बैच नहीं मिल पाया है और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा हो जाने के बाद प्रदेश के करीब 800 जूनियर डॉक्टर कॉलेज से पास होकर चले जाएंगे। ऐसे में डॉक्टर्स की कमी होना लाजमी है। ये उसका युक्तियुक्त कारण हो रहा है क्योंकि एक पैंडेमिक का समय था, महामारी का समय था। एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के निर्देशानुसार पूरे देश में इसका पूरा समयबद्ध युक्तियुक्त कारण हो रहा है, कैलेंडर जो बनेगा उसका पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण होने पर सरकार ने पाबंदियों में ज्यादा छूट दे दी है। अब बाजार रात 8 बजे के बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ चालू हो सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शादी ब्याह में अब अधिकतम 100 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट अब 100% क्षमता से संचालित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में केस बढ़ रहे हैं, यहां भी अगस्त में केस बढ़ने का पूर्वानुमान है। सीएम ने जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी को सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 176 ऑक्सीजन प्लांट में से 25 शुरू हो चुके हैं, 15 सितंबर तक सभी शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश में रविवार को कोरोना के 18 संक्रमित मरीजों की पुष्टि भी की गई।
शिवराज सरकार ने सोमवार देर शाम बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। इसे करते हुए 29 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। ये अफसर जिला पंचायतों और जिलों में अपर कलेक्टर और एसडीओ राजस्व विभाग में पदस्थ थे। इंदौर स्मार्ट सिटी में सीओ शीतला पटले को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। वहीं पटले के स्थान पर मंदसौर जिला पंचायत में सीओ ऋषभ गुप्ता को पदस्थ किया गया। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर शाम 3 अलग अलग आदेश जारी किए और आदेश के मुताबिक 8 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बदला गया है। इसके अलावा गृह विभाग ने 150 टीआई को पदोन्नत करते हुए कार्यवाहक डीएसपी बनाया। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। करीब 2 सालों से नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छत्तीसगढ़ के शिक्षक उम्मीदवारों ने 26 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। बार बार के आंदोलन और फिर सरकार के वादों से निराश शिक्षक अभ्यर्थियों का यह कहना है कि इस बार का आंदोलन खाली नहीं जाएगा, सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ बीएड डीएड प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान ने कहा कि मार्च 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन भर्ती परीक्षा में पास कर मेरिट में जगह बना चुके आज भी नियुक्ति से वंचित हैं। बार बार आंदोलन किया और हर बार सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षक अभ्यर्थी निवेदन ही करते आए हैं, दलाल कहे जाने के बाद भी अब भी वो नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब सब्र छलक रहा है। मार्च 2019 में 14,580 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, आज वर्तमान तक इन पदों पर भर्ती नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो विधानसभा सत्र करीब है, 26 तारीख के दिन 26 जुलाई को हम इस बार विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए आदिवासी समाज के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, यह दावा है कांग्रेस का। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध अनाथ आश्रम से 20 बच्चों को प्रशासन ने मुक्त कराया है। इनमें ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला और बैतूल के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कई बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि जिस संस्था से इन बच्चों को मुक्त कराया गया उसे महज 20 दिन पहले ही शुरू किया गया था। ऐसे में बाल तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है, लिहाजा अब कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कह रहे हैं। मैं हमेशा कई वर्षों से ये बात करता आया हूँ कि हमारे यहाँ से कोई भी अगर कहीं भी जाता है तो हमारे पंचायतों में हमारे थानों में एक रजिस्टर्ड हो जिसमें दर्ज करे कि कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ले जाने वाला कौन है, किसके यहाँ जा रहे हैं, उनके नंबर हो, उनका आईडी हो, जिससे हम पहचान सके। क्या कर रही है सरकार, कलेक्टर और एसपी 10 बच्चियाँ, किशोर बच्चियाँ 12-13-15 साल की तेलंगाना से पकड़ी गई, वहाँ पर जो है अंडे बनाने के की ट्रे बनाने की फैक्ट्रियों में उनको बंधक मजदूर बनाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार सो रही है, ये आदिवासियों के हितैषी हैं। मुझे लगता है कि ये मामला संजीदा है और संवेदनशील भी है, इसलिए पुलिस और तेजी के साथ में इस मामले में कैसे काम करे इसको अलग से मॉनिटर करने का काम स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रवासी मजदूरों के खाते देशव्यापी पॉलिसी बनाने के लिए जनता का फैसला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम होना है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और सॉकेट्स के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को बुलाया गया जो उनके सामने आने वाली समस्याओं को रखेंगे। वहीं जनता का फैसला नाम के इस कार्यक्रम में पॉलिसी फ्रेम करने वाले नेता, मंत्री, शासकीय अधिकारी, सोशल वर्कर्स को भी आमंत्रित किया गया है। 4 दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम दिन ज्यूरी मेंबर्स यानी कि प्रवासी मजदूर अपना फैसला सुनाएंगे कि उनके लिए क्या बेहतर होगा और कैसी पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे राज्य के, जो भटकते हैं अन्य राज्यों में और उनकी दुर्दशा आप जानते हैं, बहुत जरूरी है कि उनके लिए राज्य स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे कोई नीति बने। अगर राज्य स्तर पे कोई नीति बनती है तो उस नीति में प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या सहूलियतें, क्या क्या सुविधाएं, क्या कानून, क्या प्रोग्राम बनने चाहिए। दर्दनाक स्थिति हम झेल रहे हैं, वो हमारे द्वारा हमारे सरकार तक पहुंचे, वो हमारी बात को जाने। ये कमेटी जो बनेंगे यहाँ से, जो सरकार के पास जाएंगे यहाँ से मैसेज उनके पास, शायद उसके ऊपर कुछ सोचेंगे कि बाहर जो जा रहे हैं उसके लिए मुझे क्या करना है, या हमें गांव में ही काम दे दिया जाए, यहाँ से ये फायदा होंगे।
एमपी के 1,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 का क्लेम अब तक नहीं मिल पाया है। दो साल पहले बर्बाद हुई फसल का क्लेम लेने के लिए किसान इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और कृषि विभाग के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो जवाब मिल रहा है और ना ही फसल बीमा का पैसा। इन सभी किसानों के खातों से बैंकों ने फसल बीमा के प्रीमियम भी काट लिए हैं, इसे एआईसी को दे दिया गया है। वहीं एआईसी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। लंबे समय तक 1,72,000 किसानों की फसल का करोड़ों रुपए प्रीमियम बैंक और एआईसी के पास पड़ा रहा, लेकिन उन्हें क्लेम नहीं दिया गया है। बाद में छानबीन में यह पता चला कि बैंकों ने भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर बर्बाद हुई फसल और किसान की जानकारी अपलोड ही नहीं की, इसके चलते किसान परेशान होते रहे। वहीं बैंकों ने बीमा देने से इनकार कर दिया है और अब कृषि मंत्री कमल पटेल का यह कहना है कि यह सब पूर्व की कांग्रेस सरकार का किया धरा है। वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। इन्होंने बीमा तो नहीं दिया, प्रीमियम भरना था स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिस्से का 18-19 का, लेकिन जो स्केला फाइनेंस था वो 100% उसका बीमा होता था, इन्होंने स्केला फाइनेंस का 75% कर दिया ताकि इनको प्रीमियम जो राज्य के हिस्से का भरना पड़े कम भरना पड़े, इसलिए किसानों को नुकसान हुआ। ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और दावे करती है और जनता के साथ छल और छद्म करने से बाज भी नहीं आती। राज्यांश का जो हिस्सा है जब तक वो जमा नहीं होगा तब तक उन्हें भुगतान नहीं होगा और तब तक वो पोर्टल पे अपलोड भी नहीं होगा, तो किसानों को कितना आप भ्रम में लाओगे, कितना झूठ बोलोगे। जबलपुर में अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट हो गए हैं और एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनपद पंचायत से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया है। अधिकारियों कर्मचारियों का यह कहना है कि उनके दो साथी अधिकारियों ने प्रताड़ना की वजह से बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी। मामले की गंभीरता से जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाई जाए। अनार्थिक मांगे हैं जिसपे सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी न पड़े और हमारी वर्षों से जो लीगल मांग पेंडिंग है उनके निराकरण के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आएंगे। रोजाना शाम 6 बजे खुलती है परतें हर खबर। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जय जोहार। देश में पहला ऐसे राज्य हो जो पहले से गर्माती राजनीति और बढ़ती बयानबाजी में अच्छी और सच्ची खबरों की फिक्र होती है हमें। शोर शराबा में कहीं मुद्दे गुम न जाए इसका ख्याल रखते हैं हम। जनभाषा में सरोकारों की आवाज बन सके हम, इसीलिए हर शाम लेकर आते हैं स्पेशल शो पंचायती। पंचायती में आप मन के स्वागत है, मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ी का इकलौता डिबेट शो पंचायती, सिर्फ IBC 24 पर। क्या आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं? क्या आपने अब तक कोरोना वैक्सीन लगवाई है? अगर नहीं तो तुरंत कराएं अपना रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन लगाकर ही दे सकते हैं कोरोना को मात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे बिग न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले देश भर के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। पीएम मंगलवार को शाम 5 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे। मन की बात में पीएम ने चंदौली के भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी शिवपाल सिंह की सराहना भी की। कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस दौरान 19 कार्य दिवस होंगे या 24 घंटे आरटीपीसीआर की सुविधा भी रहेगी। अधिकतम सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है, 311 सांसदों ने दोनों डोज ले लिए हैं, तो वहीं 23 सांसद कोरोना होने की वजह से वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। संसद की मॉनसून सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार शाम पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां एक तरफ संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियों पर चर्चा होगी, वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा दल में अहम बदलावों पर भी विचार किया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।
साल 1999 के चर्चित सेनानी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसके तहत मामले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। दो दशक पुराने इस नरसंहार में कथित रूप से माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, जब महिलाएं पूरी तरह से पढ़ी लिखी होंगी तभी प्रजनन दर घटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये कम होना शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे। बालाघाट पुलिस ने पिछले हफ्ते नक्सलियों को भारी मात्रा में अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री मुहैया कराने वाले 8 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया था। इन 8 आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी घनश्याम आंचले के घर गोंदिया से फिर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस बार भारी मात्रा में अलग अलग हथियारों के कारतूस, विस्फोट करने की सामग्री, हाई राइज टॉर्च, 2 दूरबीन, चार्जेबल सामान बरामद किए गए। ये सब वो नक्सलियों को मुहैया कराने वाला था, जिसके अलावा बालाघाट पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस को घनश्याम आंचले और बलजूर उइके को नक्सलियों से जुड़वाने वाले रामदास टेलर की तलाश है, जिसके जरिए सभी आरोपी नक्सलियों से मिले थे। इधर पुलिस की 2 टीमें मुंबई और मध्य प्रदेश की धार बड़वानी होते हुए राजस्थान के कोटा के लिए रवाना हुई हैं, क्योंकि पकड़े गए सभी आरोपी अवैध हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान से लेकर आ रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा आगे बढ़ी है, उसमें 2 लोग और डिटेन किए गए हैं। इसी में घनश्याम जो था, जो कि नक्सलियों का मेन कंड्यूट था, उसके साथ दोबारा पूछताछ की गई तो फिर उसके यहाँ से अभी और वेपन्स बरामद हुए, हम्स एमिनेशन बरामद हुई। भोपाल में 4 साल बाद पहली बार मेट्रो का स्वरूप दिखाई देने लगा है। वर्ष 2018 से जारी मेट्रो एलिवेटेड रूट का करीब 35% काम ही बचा हुआ है। एलिवेटेड रूट के पहले चरण के सिविल वर्क में करीब 8 किलोमीटर लंबे हिस्से में निर्माण कार्य जारी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। प्रदेश में पहली बार राजधानी भोपाल में अब मेट्रो अपना आकार लेते यहां पर जा रही है। हम देख सकते हैं कि एलिवेटेड रूट है जो पर्पल कॉरिडोर के तहत लाइन 2 के अंतर्गत यहां पर बनाया गया है और यह रूट जो है वो लगभग 14.99 किलोमीटर लंबा है और उसके पहले चरण में लगभग 8 किलोमीटर रूट पर एलिवेटेड रूट के सिविल वर्क का काम यहाँ पर जारी है। और ये जो लगभग रूट जो बनाया यहाँ पर जा रहा है, यह एम्स से सुभाष नगर तक यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो काम है वो लगभग यहां पर सिविल वर्क का पहला यहां पर पूरा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पर्पल कॉरिडोर का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो लगभग सुभाष नगर से करौन तक यहां पर बनाया जाना है, उसके लिए भी शासन ने स्वीकृति यहां पर मेट्रो रेल कंपनी को यहां पर दे दी है। 277 करोड़ रुपए का यह पूरा यहां पर प्रोजेक्ट है और जो हम पोल्स यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ऐसे लगभग 220 पोल यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 70% पोलों के निर्माण का कार्य यहां पर पूरा हो चुका है। तो 2023 तक सरकार ने एक लक्ष्य यहां पर रखा है कि मेट्रो का संचालन यहां पर किया जाना है। हालांकि अभी बहुत काम यहां पर बाकी है, क्योंकि इस मात्र एक सिविल वर्क यहां पर है, एक स्ट्रक्चर यहां पर है, तो मेट्रो का संचालन कब तक हो पाएगा ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन जो सिविल वर्क है वो लगभग अब अपने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर लगभग 70% काम के साथ यहाँ सिविल वर्क पूरा हो चुका है। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल ब्यौहार, IBC24 भोपाल। इंदौर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। 71 करोड़ के एमडी ड्रग्स रैकेट में ड्रग्स पैडलर महजबी की दोस्ती दिल्ली की हाई प्रोफाइल किन्नर से होना मालूम चला है। वहीं क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है कि इंदौर और मुंबई के बड़े तस्कर अफगानिस्तान और म्यांमार में रॉ मटेरियल भेजते हैं, फिर वहां से तैयार फिनिशिंग वाली एमडी वापस बाजार में आती थी। इसके अलावा कुछ लैब वाले और नाइजीरियन अपने फॉर्मूले पर एमडी बनाकर भेजते हैं। अब पुलिस इन तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। उधर महजबी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने 4 महीने में कई बार चक्कर लगाकर मशक्कत की थी और तब जाकर वो पकड़ी गई। आरोपी हैं वो एक बड़े अपराधी गैंग के सदस्य होते हैं। इसमें भी जो जुड़े हैं उनके जो संबंध, उनके तहकियात, उनके आसपास के जो संबंधों की जांच की गई तो उसमें कुछ ऐसे नंबरों के संपर्क में थे जो बाहर के नंबर थे, जो दूसरे देशों के नंबर थे, कुछ ऐसे नंबरों से चैट पाई गई जो दूसरे देशों के थे। तो इन सारे चीजों पर उस पर तफदीक की जा रही है और टीम जो है उस बिंदु पर भी काम कर रही है।
एजुकेशन हब भिलाई के युवा हर क्षेत्र में जहां देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र के शिखर सिंह का चयन जापान में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हुआ है। शिखर ने बहुत कम उम्र में ही भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में अपनी जगह बना ली है। महज 21 साल की उम्र में भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बनने वाले वो पहले खिलाड़ी होंगे। साल 2015 से वॉलीबॉल खेल रहे शिखर की इस उपलब्धि के पीछे स्पोर्ट्स टीचर, गुरु, माता पिता और दोस्तों के सहयोग के साथ ही बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन का मोटिवेशन भी शामिल है। बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन ने शिखर को खेल के प्रति समर्पण के लिए मोटिवेट किया। उनकी इस उपलब्धि से बजरंग पावर एंड स्टील प्रबंधन बेहद गर्व महसूस कर रहा है। वहीं शिखर का सपना है कि वो अपनी टीम के द्वारा भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। शिखर के पिता अजय सिंह तिलदा स्थित बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर हैं। जूनियर होके सीनियर में सिलेक्शन हुआ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है कि एक जूनियर प्लेयर को सीनियर में खेलने के मौका मिल रहा है। मेरे सर लोग, टीचर्स, स्कूल तक मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे, और घर में फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी, पापा बजरंग पावर लिमिटेड में हैं, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट, मतलब हर मतलब कुछ भी कहीं टूर्नामेंट हो तो उनको बताया जाता था, वो मतलब बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता था, मतलब उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ का भी है एक बच्चा जो खेल रहा है। जूनियर खेलते खेलते हुआ फिर वापस उसका सीनियर में सिलेक्शन हुआ, बड़ी सौभाग्य की बात है और बहुत ही ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो एक छोटा सा बच्चा जूनियर खेलते खेलते आज टीम में सेलेक्ट हुआ है। और इसमें हमारे बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड के हमारे जो मालिक हैं उनका बहुत ही मेरे प्रति बहुत अच्छा योगदान था और मैं उनका बहुत ही आभारी और मैं बजरंग के प्रति। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय पेटल्स, बच्चों का अस्पताल, 24